सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनी के टू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स स्पाइडर गवेन और द ब्लैक कैट के बारे में। अब देखो, ये तो ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि ये दोनों मूवीज आएगी या नहीं, लेकिन हाल ही में ऐसे बहुत सारे रूमर्स इंटरनेट पे चल रहे हैं कि अब स्पाइडरमैन नो वे होम की हुज सक्सेस की वजह से सोनी ने स्पाइडर वर्स के बारे में सोच लिया है। और अगर आप ध्यान से सोचो तो स्पाइडर वर्स की शुरुआत भी हो चुकी है, वेनम 3 पे काम शुरू हो चुका है, मॉर्बियस की मूवी नेक्स्ट मंथ आने वाली है, कैवेन द हंटर पे मूवी काम करना शुरू हो चुका है, फिर टॉम हॉलैंड की अगली ट्रिलॉजी पे भी स्क्रिप्टिंग शुरू हो चुकी है, मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है, और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में टोबी मैग्वायर के दिखने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि स्पाइडर वर्स की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब बात करते हैं ब्लैक कैट और स्पाइडर गवेन के बारे में। तो अभी कुछ ऐसे रूमर सामने निकल के आई हैं कि सोनी एमा स्टोन को लेके स्पाइडर गवेन के ऊपर एक सोलो मूवी बनाना चाहती है, जो कि किसी दूसरे यूनिवर्स की स्पाइडर वुमन होगी, क्योंकि हम सबको पता है कि एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स की ग्वेन स्टेसी तो मर चुकी है। और कुछ ऐसे भी रूमर्स निकल के आई हैं कि जिस पैरेलल यूनिवर्स की ग्वेन स्टेसी को उस मूवी में दिखाया जाएगा, उसके अंदर एक स्पाइडरमैन भी एग्जिस्ट करता है जिसकी उस मूवी में मौत हो जाएगी, और उस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के मरने के बाद ग्वेन स्टेसी उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाएगी। अब ये स्टोरी थोड़ी बहुत सिमिलर है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स से, क्योंकि उस मूवी में भी पीटर पार्कर के मरने के बाद माइल्स मोरालेस नया स्पाइडरमैन बनता है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सोनी स्पाइडर गवेन की स्टोरी को किस तरह से आगे बढ़ाएगी अगर ऐसी कोई मूवी फ्यूचर में बनती है तो। और इसके अलावा ब्लैक कैट का तो हमें पता ही है कि आज नहीं तो कल ब्लैक कैट को स्पाइडरमैन मूवी में इंट्रोड्यूस करवाया ही जाएगा। और ऐसे रिपोर्ट्स बाहर निकल के आई हैं कि सोनी ने अन्या टेलर जॉय को ब्लैक कैट के कैरेक्टर के लिए कास्ट करने का मन बना लिया है, एंड आई थिंक दैट सी विल बी परफेक्ट चॉइस फॉर दिस कैरेक्टर। आप में से बहुत से फैंस अन्या टेलर जॉय को जानते होंगे क्योंकि एक्स मैन की पार्ट भी रह चुकी है, और इसके अलावा इसकी नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी आई थी द क्वींस गैम्बिट, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज में से एक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक कैट की सोलो मूवी से पहले उसे स्पाइडरमैन की किसी मूवी में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 आएगी उसमें ब्लैक कैट का कैमियो भी हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद एमजे तो पीटर को भूली गई है, और शायद ऐसा हो सकता है कि इसके लाइफ में कोई और है और वो ब्लैक कैट ही हो। तो ये अच्छा रहेगा कि ब्लैक कैट की सोलो मूवी से पहले उसका कैमियो हमें स्पाइडरमैन की मूवी में देखने को मिल सकता है, ताकि ब्लैक कैट की थोड़ी सी हाइप बना सके, और ब्लैक कैट की सोलो मूवी जो होगी उसमें हमें दिखाया जाए कि ब्लैक कैट आखिर ब्लैक कैट बनी कैसे और उसके पावर्स क्या क्या हैं अगर ऐसी कोई मूवी फ्यूचर में बनती है तो, क्योंकि राइट नाउ ये सब कुछ एक रूमर्स ही हैं। मार्वल स्टूडियो ने इसका जिक्र भी नहीं किया है, लेकिन हम उम्मीद तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि मार्वल स्टूडियो ने ये भी नहीं बताया था कि 3 स्पाइडरमैन हमें देखने को मिलेंगे, वो भी हमें देखने को मिले, तो शायद ऐसा हो सकता है कि इन द फ्यूचर हमें ये मूवीज देखने को मिले। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। टिल देन, गुड बाय।